नहीं चाहता कि सदन में चर्चा हो, बजट की मांगों पर चर्चा हो, विपक्ष सरकार के ऊपर में आरोप लगाए, ये शासन नहीं चाहता। और शासन के नहीं चाहने के कारण लगातार सदन जो है वो ना यहाँ पर परंपराओं का पालन हो रहा है, ना सदन में नियमों का पालन हो रहा है, और उसके कारण विपक्ष के साथ में जो लोकतंत्र में विपक्ष को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल रहा, और शासन उसमें लगातार गतिरोध पैदा कर रहा है। ऐसा है कि आसंदी तो विक्रमादित्य का सिंहासन है, और विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने वाले की योग्यता कोई नहीं पूछता है, उस पर जो बैठता है उसको वो पूरे अधिकार हैं, उसको वो पूरे पावर हैं, और उसके ऊपर भी पूरी जिम्मेदारी है कि सदन अच्छे तरीके से चले। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि गृह मंत्री बिना जांच के कहे कि संदिग्ध है, ये आश्चर्यजनक है। और इस शासन ने अभी तक छत्तीसगढ़ में जितनी भी हत्या की घटनाएं हुई हैं उनमें सब में जांच होने के पहले ही ये डिक्लेयर कर देते हैं, तो जांच होने के बाद यह बात सामने आनी चाहिए। मैं तो आप ही से पूछना चाहता हूं, आप ही लोगों ने छापा है कि दो लोग ऐसे चिपके हुए और आत्महत्या कर रहे हैं, और पहले दिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, सुसाइड नोट दूसरे दिन क्यों मिलता है? विधानसभा का सत्र चल रहा है, मुख्यमंत्री का गृह विधानसभा क्षेत्र है, और इसलिए शासन पूरे तथ्यों को छुपाना चाहता है। वो चार दिन जो चार लोगों की हत्या की घटना हुई उसके आज तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, खुड़मुड़ा के चार लोगों की हत्या की घटना के आज तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, और इस ये भी घटना जिस प्रकार की है, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमारे परिवार पे किसी भी प्रकार का कोई कर्जा नहीं था, हमको बाजार में नहीं चुकाना है। आसपास के गांव के लोग कह रहे हैं कि उनकी ऐसा नहीं लगता है कि वो आत्महत्या करेंगे, ऐसी कोई उनकी परिस्थितियां हैं। 10 एकड़ उनके पास में जमीन थी, और महिला दिवस के दिन इससे शर्मनाक की स्थिति नहीं हो सकती। जब हम आज महिला दिवस मना रहे हैं तो उस दिन सरकार 3 महिलाओं की हत्या पर जो संवेदनशीलता होनी चाहिए उसकी बजाय उसको भी सदन को और प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और मैं तो कहूंगा शासन को आदेश देना चाहिए कि पुलिस की तरफ से जब तक जांच पूरी नहीं हो जाए, किसी भी घटना के बारे में ये संदेह है वो संदेह है, जबरदस्ती उस घटना को डाइवर्ट करते हैं। पूर्व की घटनाओं में भी जिस प्रकार से कहा कि उसकी पत्नी के ऊपर में उसको शक था, उन्होंने कहा कि उसके ऊपर में वो मानसिक रूप से विकलांग था, तो जब तक जांच नहीं हो जाती, क्या राइटिंग एक्सपर्ट से उन्होंने जांच करवा ली कि उसी की राइटिंग है? उन्होंने कैसे कह दिया कि ये सुसाइड कहने के पहले उन्होंने लिखी है? हत्या करने वाला भी लिखकर जा सकता है,